हेलो गाइस, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो जहां हम आज स्टॉक सिलेक्शन मेथड के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे। तो आपको ये वीडियो इसलिए देखना चाहिए कि अगर आप थक गए हो वही डेटा डाउनलोड करके, किसी एक्सेल में लगा के, कुछ फॉर्मूला लगा के 20 दिन देखे, कुछ नहीं हो रहा है, टॉप गेनर टॉप लूजर देख के या स्पाइडर या उस करके या कोई सॉफ्टवेयर यूज करके इतने बजे वो स्क्रीनर खोल लो वहां से डेटा निकलेगा, फिर का नहीं हो पा रहा ना कुछ, मालूम है मेरे को, बिकॉज देयर इज नो मैजिकल वे ऑफ स्टॉक सिलेक्टिंग, no magical way, but there is one genuine method of stock selection जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। So, समय होगा 25-30 मिनट तो ही देखेंगे, नहीं तो सर प्लीज लाइक कर दीजिए या ट्रेडर्स इसको वॉच लेटर में डाल दीजिए और आराम से देखेंगे इस पूरे के पूरे मेथड को, ठीक है, जिसका नाम मैंने बनाया, आपको दिखाऊंगा मैं वीडियो में। तो चलो फिर आखिरी में मैं मिलूंगा आउटरो में, आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देनी है, उसके बिना काम नहीं करेगा पूरा का पूरा वीडियो। सो आखिरी तक देखें और मैं आपको मिलता हूं, थैंक यू सो मच। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज नो मैजिकल फॉर्मूला फॉर स्टॉक सिलेक्शन कि यहां कुछ एक्सेल से चीजें डाउनलोड की, इधर कुछ फॉर्मूला लगाया, उधर कुछ आ गए स्टॉक्स, ऐसा कुछ नहीं होता। और आप अगर सोचेंगे कि कोई स्क्रीनर जैसे स्पाइडर या कोई एक्सवाइजेड स्क्रीनर सॉफ्टवेयर आपकी मदद कर दे, नहीं कर सकता। आप, मैंने सब ट्राई करके देखा और आप लोगों ने भी सब ट्राई करके देखा, इसलिए इस वीडियो पे आ रहे हैं आप बात करने के लिए, वीडियो देखने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा मैं एक लॉजिकल, मैं हमेशा लॉजिकल बात करूंगा, तो लॉजिकली क्यों मैजिक फॉर्मूला नहीं हो सकता स्टॉक सिलेक्शन का, क्योंकि कल क्या होगा किसी को नहीं पता, आपको मालूम है, वॉरेन बफे को भी नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है, तो कैसे कोई मैजिकल फॉर्मूला हो सकता है स्टॉक सिलेक्शन मेथड का, नहीं हो सकता स्टॉक सिलेक्शन मेथड मैजिकल। देयर इज वन जेन्युइन मेथड दैट आई लव, दैट आई एम यूजिंग, दैट आई विल शेयर विद यू। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को ध्यान से देखे बिना स्किप किए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द वीडियो शुड बी, या फिर मैं आपको इसका नाम जो देना चाहूंगा, इसको मैं वॉचलिस्ट का नाम देना चाहूंगा, फिक्स्ड वॉचलिस्ट मेथड। ओके, फिक्स्ड वॉचलिस्ट मेथड। तो चलो फिक्स्ड वॉचलिस्ट मेथड को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक फिक्स्ड वॉचलिस्ट बनाएंगे, ठीक है, हम एक फिक्स्ड वॉचलिस्ट बनाएंगे, उस फिक्स्ड वॉचलिस्ट में काम करेंगे, 10 से 12 स्टॉक्स की वॉचलिस्ट बनाएंगे, ठीक है, we'll have 10 to 12 स्टॉक्स एंड वी नीड दोस 10 to 12 स्टॉक्स टू बी फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे ऑटो, आईटी, फाइनेंस, ठीक है, और फार्मा और एनर्जी, और क्या होते हैं बताओ, और बैंक्स, ठीक है। सो लेट्स से इतने अलग 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 सेक्टर के हमें स्टॉक्स निकालने हैं, टोटल स्टॉक्स होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास 10 से 12 के ऊपर हमारी टोटल वॉचलिस्ट ही नहीं रहेगी, ठीक है, 10 से 12 का ऊपर का यूनिवर्स हमारा नहीं रहेगा, 10 से 12 स्टॉक्स रहेंगे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज रहेंगे, फिक्स्ड वॉचलिस्ट बनाएंगे और उन फिक्स्ड वॉचलिस्ट में कुछ ऐसा काम करेंगे कि मैं बताऊंगा अभी क्या करना है, डोंट वरी, रिलैक्स है ना। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो 10 से 12 स्टॉक्स निकालेंगे अलग 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 और एक फिक्स्ड वॉचलिस्ट बनाएंगे, एक तरीका बताऊंगा, एक प्राइस एक्शन बेस्ड मेथड बताऊंगा, उस प्राइस एक्शन बेस्ड मेथड के दम पे आप ट्रेड कर लोगे। आज तो मैं ही आपको वॉचलिस्ट दे दूंगा, सैटरडे को बना रहा हूं रात को 11:30 बजे ये वीडियो, तो डेफिनेटली आपको मंडे काम आ जाएगा अगर ये वीडियो अभी एडिट वेडिट होकर डल जाता है कल तक, तो आपके लिए पहले ये प्रूफ भी हो जाएगा जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो चलो अब फिक्स्ड वॉचलिस्ट मेथड के हिसाब से हमें ये सब खोलना है, ठीक है। अब जब हम इन 10 से 12 स्टॉक्स पे होमवर्क करेंगे और होमवर्क करने के बाद हमारा जो पर्पस है, हम मोस्टली जो काम करेंगे ना, हम बाय एंड दोनों हर स्टॉक्स में बाय सेल दोनों निकालेंगे, बट कुछ में बाय निकलेगा क्योंकि उनमें से बाय ही निकलेगा, कुछ में सिर्फ सेल निकलेगा, ठीक है। तो तीन कैटेगरी के स्टॉक्स हमारे पास सामने आएंगे, ठीक है, बाय सेल या सिर्फ बाय या सिर्फ सेल। अब मॉर्निंग हो गई, जैसे ही सुबह होगी, अब मुझे नहीं पता आप कौन से ट्रेडर हैं, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, मतलब मैं टाइप वन बोलता हूं जो लोग सुबह मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं 9 से 10 के बीच में, ठीक है, टाइप टू मैं कहता हूं जिन लोग ना सेकंड हाफ में, मतलब एक मिड रेंज में ट्रेड करते हैं, टाइप थ्री मतलब जो बीटीएसटी हो गया, मैं टाइप टू ट्रेडर हूं, मैं प्रेफर करता हूं 10:30, 11:30 के बाद ट्रेड करना, बेस्ट टाइम लगता है मुझे 12:15 से 1:15, वो जो मूवमेंट मिलता है बिल्कुल चौपी नहीं होता, एक तरफ डायरेक्शन मिलता है यूके मार्केट को ऑब्जर्व करते वक्त, यूरोपियन मार्केट को। तो लेट से कि हम चलो 11:30 की बात करते हैं, 11:30 हम आते हैं, या चलो सुबह की बात कर लेते हैं, 9:15 से 9:20 तक ट्रेड नहीं करना ना, 5 मिनट, 9:20 के बाद ही डिसीजन लेना जो भी लोगे। तो चलो बात करते, जैसे 9:20 को हम आए, 9:20 पे मेरे को ये खोलना है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्या है ये है वॉचलिस्ट, देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स, आईटी, ऑटो,
एनर्जी फाइनेंसी सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स ठीक है, इंफ्रा मीडिया मेटल, आपको ये वॉचलिस्ट खोलनी सबसे पहले, इसकी फोटो खींच लें या पॉज करके लिख लें, अपने ऐड कर सकते हैं अपनी वॉचलिस्ट में। अब जैसे 9:20 पे आपने देखा, क्या देखा आपने, आपने देखा, एक मिनट ना, ओके, आपने देखा कि भाई आज निफ्टी पॉजिटिव में है, ठीक है, निफ्टी मेरा पॉजिटिव में है, पहला बात, तो मुझे डेफिनेटली बाय साइड में जाना है, मतलब बाय सेल वाले काम आएंगे और बाय वाला सेल वाले एकदम काम नहीं आएंगे। तो 12 में से आपकी वॉचलिस्ट में से 10-12 में से 3-4 तो ऐसे ही कट गए, अब 6-7 बचे। अब इन 6-7 में आपको देखना सबसे हाई सेक्टर कौन सा ग्रीन है। जैसे अभी पकड़ते तो देखो परसेंट चेंज, बैंक निफ्टी 1.3% अप और फाइनेंस 1.1% अप और पीएससी मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मतलब 1.15% अप रियलिटी। तो हमें बैंक पकड़ने हैं, हमें बैंक पकड़ने, वो भी बाय वाले, तो ऐसे ही ऑटो आईटी कट गए अपने आप, राइट। सिर्फ फाइनेंस और बैंक बचे, जैसे बजाज फाइनेंस बचा या फिर एचडीएफसी बैंक बचा, ऐसे तो कुल मिला के 2 ही स्टॉक बचेंगे आपके पास। अब उन 2 स्टॉक में हम ऑलरेडी एक रात पहले टारगेट, नो ट्रेडिंग जोन, स्टॉप लॉस डिसाइड करके रखें। यू आर जस्ट कमिंग टू एग्जीक्यूट दैट प्लान, यू आर प्लानिंग वन नाइट बिफोर, यू आर कमिंग ओनली टू एग्जीक्यूट इट। ऑलराइट, आई होप समझ में आया होगा मैंने क्या समझाया, दोबारा से समझाता हूं। सबसे पहले इस वॉचलिस्ट को कॉपी कर लें, आपको लगाना ही है, ये सेक्टर का एरिया बताएंगे आपको कि कल सुबह क्या ट्रेड करना है। अब एग्जांपल लेते हैं 12:15 बजे का, 12:15 बजे मैं आता हूं भाई, यूके मार्केट खुलने वाला है, मैं देखता हूं निफ्टी आज रेड में है, रेड लाल है दिन, तो सबसे पहले मेरा बाय वाला स्टॉक, तो ये जो मैंने 10-12 में होमवर्क किया है, और डेली सेम स्टॉक में होमवर्क करना है, पूरे हफ्ते के लिए करना है, कभी बदलना नहीं है। मैं जानता हूं, मैं बोलूंगा कि अपने 12 स्टॉक खुद निकाल लो तो आप बोलेंगे नहीं नहीं हमें बताइए, मैं बताऊंगा, मैंने बना रखे हैं आप लोगों के लिए ये 12 स्टॉक की लिस्ट, ये देखो मैंने बना रखी है, मैं दूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए उस चीज का, आप बस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, आराम से सीखने की कोशिश करिए जो मैं आपको सिखाने की अभी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो 10-12 स्टॉक हमने चूज कर रखे हैं, अब उन 10-12 में होमवर्क कर लिया है, इस अगले पार्ट में बताऊंगा होमवर्क क्या करना है। अब ये बन गया है बाय सेल, मोस्टली बाय सेल रहेंगे, लेकिन कुछ में सिर्फ बाय ही मिलेगा, कुछ में सिर्फ सेल ही मिलेगा। अब आज 12:15 बज गया है, निफ्टी लाल है, गिरने के मतलब बेयरिश मार्केट है। अब आप आएंगे यहां, बोलेंगे सबसे ज्यादा बेयरिश कौन सा है इसमें, ढूंढो तो कौन सा है, इंडिया विक्स को भूल जाओ, अभी आप लोग के काम का नहीं है, मैं अभी कभी फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा समझाने के लिए क्या होता है। तो मान लेते हैं आज का दिन है, तो देखो मीडिया दिख रहा है, मीडिया -1.4%, और देख रहे हो आईटी -3, मेटल, तो मेटल आईटी और मीडिया में से निकाल लो स्टॉक, आईटी का स्टॉक है मेरे पास मान लेते हैं, बस पकड़ लिया आईटी स्टॉक अपन ने, उसको बैठ के ट्रेड करेंगे। तो क्या अपन ने पहले बाय हटाया, सिर्फ सेल और बाय पकड़ा, फिर उसमें भी सेक्टर वाइज पकड़ा, तो हम देखो ट्रेडर्स, देखो ऑनेस्टली कहना मैं जो बोलूंगा ये बात सबको लगेगी, गलती क्या करते हैं कुछ, तो मेरे भाई लोग ऐसे भी हैं जो निफ्टी 50 के पूरे 50 में होमवर्क कर डालते हैं और कुछ ऐसे जो 25-30 में होमवर्क कर लेते हैं, खोलते हैं मार्केट तो भी ये एक स्क्रीन होती है, उसमें 4 स्टॉक खोल लेते हैं, मेरे पास 4 स्क्रीन है, मैं एक ही स्टॉक को अलग टाइम फ्रेम पे खोलता हूं, फर्क देखो शार्पनेस तभी आती है। तो मेरे भाई 25-30 खोल लेते हैं स्टॉक, अरे ये निकल गया, दिमाग खत्म, एनर्जी खत्म, गलत स्टॉक, ओहो फोमो फियर खत्म हो गया माहौल वहां पे, दैट इज द प्रॉब्लम दैट एवरी ट्रेडर फेसेस, आई नो दैट, सो दैट इज व्हाई एम टेलिंग यू नो मल्टीपल स्टॉक, ओनली ऐसे करेंगे ना आखिर में 1-2 स्टॉक बचेंगे उनका लेवल, वो भी अगर हमारे नो ट्रेडिंग जोन को पार करता है तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नमस्कार दिन बंद, अगले दिन आएंगे मार्केट में ट्रेड करने के लिए। समझ में आ गया गाइस? सो फिक्स्ड वॉचलिस्ट मेथड के मेथड समझ में आया, ये वॉचलिस्ट मदद करेगी आपको, तो इसको आप अभी फोटो खींच लीजिए या पॉज करके अपनी वॉचलिस्ट ऐसी बना लीजिए, क्योंकि आपको सेक्टर जो तेज होगा उसी को पकड़ना है, ठीक है। और आज मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा विदाउट एनी इंडिकेटर, विदाउट एनी इंडिकेटर आपको ट्रेड करने का तरीका दूंगा। इसके पहले जो वीवैप दिया है सब कुछ अच्छा आ रहा है, बट एक स्ट्रेटजी से जिंदगी नहीं बदलती, ये एक स्ट्रेटजी से ट्रेडिंग नहीं सीखी जा सकती, और ट्रेडिंग तो 4 स्ट्रेटजी से, ट्रेडिंग एक अलग ही माइंडसेट है, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको, मेरे हर वीडियो में मैं कुछ अलग बातें भी करता हूं, वो ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा अगला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो 10-12 स्टॉक है कौन से हैं, क्या करने से पता चलेगा बाय है कि सेल है कि बाय सेल है, और कैसे टारगेट पता चलेगा, क्या नो ट्रेडिंग जोन है, उस पे आने वाले हैं। तो चलो अब मैं, आप देखो जितने एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं आप लोग, सर आप लोग बिल्कुल अपना खुद का वॉचलिस्ट बनाइए, बिल्कुल मेरी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छा वॉचलिस्ट बनाने के पहले मैं बता दूं वॉचलिस्ट कैसी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी जो वॉचलिस्ट है ना, वो स्टॉक न्यूज में नहीं होना चाहिए, वी डोंट वांट अ स्टॉक दैट इज इन द न्यूज,
बिकॉज वो कुछ भी मूव करेगा, वो पहले ऊपर आएगा, फिर वो नीचे जाएगा, फिर वो और स्टॉप लॉस हिट कराएगा, और कुछ भी चला जाएगा. जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस न्यू स्टॉक. ये बहुत बड़ा फैक्टर है लोगों को लगता है ट्रेडर्स को कि जो न्यूज में स्टॉक है उसको ट्रेड, किस्मत होगी तो गैम्बलिंग हो गई भाई. मैं बता रहा हूं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस खराब रहा है हमेशा से, क्योंकि न्यूज वाले स्टॉक में यार प्राइस एक्शन लेवल ही नहीं माने जाते. कभी भी कुछ भी करता रहता है न्यूज वाला स्टॉक. हीरो मोटोकॉर्प को ले लो, अभी जो न्यूज आई पिछले साल दिसंबर में, इंडिगो की एक्सपेक्टेशन से भी डबल रिजल्ट दिया, गैप अप खुला रहा अपन घुस गया नीचे लगातार चार दिन. तो मेरे को एक्सपीरियंस है, I'm talking out of experience, पर आप लेकिन अगर न्यूज काम कर रही है तो आप लोग करें सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ट्रेडर्स, तो पहला रूल है न्यूज वाले स्टॉक एकदम नहीं ट्रेड करने हैं. मेरी वॉचलिस्ट में भी न्यूज है तो हटा दो, मत करो ट्रेड. दूसरा देखो, दूसरा जो रूल है, वी कैन नॉट यूज लो वॉल्यूम स्टॉक्स. तो लो वॉल्यूम स्टॉक अब कौन डेफिनेशन पे जाएगा इतनी लंबी, निफ्टी 50 के यूनिवर्स के बाहर नहीं जाएंगे. ओनली निफ्टी 50, ओनली निफ्टी 50 स्टॉक्स के अंदर ही रहेंगे. तो ये हो गया दूसरा पॉइंट. ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो हो गया आप लोगों के लिए वो हो जाता है, ट्राई करें कि 100 रुपए की रेंज के नीचे ना जाएं और 5000 रुपए की रेंज के ऊपर ना जाएं. जैसे आईशर मोटर्स, एमआरएफ, इंट्राडे में मजा नहीं आएगा, पोजिशनल कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं. अब क्या आईशर मोटर 21000 का, एमआरएफ 50-60 हजार का शेयर है. तो ये तीन चीज न्यूज है तो अवॉइड करेंगे, निफ्टी 50 में ही रहेंगे ताकि वॉल्यूम का और स्प्रेड का प्रॉब्लम ना हो, और 100 के नीचे ना जाएं, बहुत कठिन हो जाता है ट्रेड करना. 5000 के ऊपर ना जाएं, बहुत मुश्किल होता है, स्टॉप लॉस समझना, दुनियादारी करना. तो तीन मैंने ये भी चीज बता दी क्या नहीं करना है. ओके, अब ट्रेडर्स लो आपके लिए बना दी है वॉचलिस्ट. ये कितने स्टॉक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 स्टॉक है लगभग. 10 से 12 स्टॉक मैं इन सबको खोलूंगा, इन सब के लेवल्स आपको दूंगा, इन सब में आपको मैं चीजें बताऊंगा क्या करना है उस दिन के लिए, मतलब मंडे के लिए क्वालिफाई करने के लिए. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, स्टार्ट करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं प्राइस एक्शन लेवल्स. प्राइस एक्शन लेवल सिर्फ दो छोटे छोटे टूल है, एक ट्रेंड लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन. इसे यूज कर लेंगे. कैसे यूज करेंगे, अगर कोई स्टॉक बार 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 सेम लेवल पे जा रहा है ना, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां खींचूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैं यहां खींचूंगा, बन गए भाई मेरे लेवल. और मैं कुछ फिर मैं ट्रेड प्लान करूंगा कि ये ब्रेकआउट ट्रेड करना है या रिवर्सल ट्रेड करना है, वो बात करेंगे अपन. ठीक है, तो पहला टूल जो यूज करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. कहां से आता है, यहां से आता है. दूसरा टूल जो यूज करने वाले हैं वो है ट्रेंड लाइन. जब भी कोई आपको मार्केट ट्रेंडेड दिखेगा, कुछ एक एंगल पे दिखेगा, तुरंत खींच देंगे हम यहां पे आके ट्रेंड लाइन. कैसे खींचते हैं, एक बार यहां क्लिक करते हैं, थोड़ा ऐसा कहीं भी घुमा सकते हो, ए पे क्लिक किया, घुमाओ और ऐसा सेट कर दो. ऐसा सेट कर दो मतलब कैसे सेट कर दो, इसको ऐसा पकड़ के कि ना जो लोज है ना, लो ये जो लो है उनको वो सपोर्ट दे रहा हो. तो इससे क्या पता चलेगा, फ्यूचर में भी सपोर्ट देगा. तो फिर ये ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे कि रिवर्सल लेंगे वो देखा जाएगा. तो कुल मिला के दो ही छोटे सिंपल टूल मैं यूज करूंगा. कुछ मैं खास ये गैन फैन और ये जितने सारी चीजें पिचफोर्क ये सब कुछ काम नहीं आती फालतू. आपके मन में सवाल है ना कि कॉम्प्लिकेटेड चीजें काम आती है, उसे बेचने के काम आती है, कुछ काम नहीं आती, सिर्फ दिखाने के काम आती, शो ऑफ करने की, देखो मेरे को तो ये ट्रेड करना आता है, मेरे को ये हो गया ट्रेड. सब बकवास है भाई, है ना. प्लीज फकिंग इग्नोर दीज थिंग्स विल डिस्ट्रॉय योर करियर. कितने जो नहीं आता, ठीक है. तो ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, दो चीजें यूज करनी है और कुछ भी यूज नहीं करना है, एंड वी आर डन ट्रेडर्स. तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहला स्टॉक खोलूंगा मैं. अच्छा, ये इंट्राडे स्ट्रेटजी ना, स्विंग का होगा तो बता दूंगा आप लोगों की, स्विंग वाले भी ध्यान दे सकते हैं. तो सबसे पहला काम, टाइम फ्रेम कौन सा खोलेंगे, 1 आवर का. 1 आवर टाइम फ्रेम ओनली फॉर लेवल्स. डोंट गो 1 डे, डोंट गो 4 आवर्स, डोंट गो 30 मिनट, कम 1 आवर. मैं क्लियर एस्पेक्ट दे रहा हूं आप लोगों को, दिखा दिया मैंने. अब मैं थोड़ा क्या अच्छा व्यू दिखता है, एक बढ़िया व्यू दिखता है आपको कि ये अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है. ओके, अब ना यार मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं. ये देखो, ये स्टॉक कैसा वर्कआउट किया है. देखो अगर आप देखेंगे तो बढ़िया से ये ट्रेंड में तो है ही, पूरा आके एक फ्लैग जैसा पैटर्न बनाता है और कंसोलिडेट होता है, ब्रेकआउट देता है. अभी कैसा दिख रहा है, वही दिख रहा है मुझे तो वैसे ही दिख रहा है. फिर से मुझे एक ट्रेंड लाइन ऐसी खींचनी है ऊपर, देखो वही टूल यूज करूंगा जो बता रहा हूं, और एक ट्रेंड लाइन ऐसी खींचनी है मुझे ऐसी. ठीक है, देखो तो कैसा दिख रहा है. अगर हमें बात करते हैं अभी क्या मार्केट दिख रहा है आपको, अगर देखा जाए तो अभी भी वही दिख रहा है. अगर आप देखोगे तो ये रही एक ऐसी ट्रेंड लाइन जो बन रही है यहां पे, ये देखो, और ये रही दूसरी एक ट्रेंड लाइन. एक आपको फिर से वैसे ही पैटर्न दिख रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, रेंज छोटी होती जा रही है. अब ये रेंज ब्रेक होगी या तो ऊपर या तो नीचे, हमें दोनों के लिए अभी बात करेंगे. ये बाय सेल दोनों है कि सिर्फ बाय है. तो यार अभी का प्राइस एक्शन लेवल देखे क्लियरली मुझे समझ में आता है कि जो भी है ये लाइन इसे डिफेंड कर रही है और ऊपर ये लाइन डिफेंड कर रही है. जिस भी तरफ ये लाइन ब्रेकआउट देगी मैं उस तरफ ट्रेड लूंगा, बट मेरे को लेवल्स चाहिए. तो मेरा पहला लेवल जो आता है नीचे का, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे
यहां पे बार बार 691 के आसपास को सपोर्ट मिला हुआ है, तो मैं यहां पे खींचूंगा मेरा पहला लेवल यहां पे। और अगर आप देखेंगे ऊपर तो यहां भी मेरे को एक बार बार एक अच्छा रेजिस्टेंस देखो, यहां नहीं बढ़ने मिलता ना, एक मैं यहां पे लेवल खींचूंगा और एक चलो और एक लेवल यहां पे खींचूंगा क्योंकि ऑल टाइम हाई। अब मैं मतलब बता रहा हूं, अब बाय कब करूंगा स्टॉक को, जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो बाय नहीं करूंगा, एक बार रीटेस्ट करने आएगा, मोस्ट प्रोबेबली ऊपर की तरफ जा सकता है, आप ट्रेंडिंग स्टॉक है, ध्यान दो, ध्यान से देखो क्या करना है, और जब वापस से टकरा के अगर ऊपर ब्रेकआउट देगा तो मैं इसे बाय करूंगा इस टारगेट के लिए। ये हो गया मेरा पहला प्लान। दूसरा प्लान मेरा होता है शॉर्ट कब करूंगा, शॉर्ट कब करूंगा, ये दिन का लो टूटने पे, दिख रहा है आपको इसका दिन का लो, दिख रहा है ये दिन का लो है, डिफेंड किया इसने, जहां मेरी ट्रेंड लाइन ये ब्रेक होती है, दिन का लो टूटा, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, मैं यहां पे एक छोटे से टारगेट के लिए, छोटा टारगेट नहीं, ठीक ठाक ही टारगेट है, 700 से 692 लगभग 1% के आसपास है, 1% से ज्यादा है, तो हम ये ट्रेड लेंगे। सो ये होता है हमारा पहली बात। HCL के लेवल्स देख लो आपके सामने मैंने खींचे हुए हैं, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो मेरा HCL कैसा स्टॉक है, बाय सेल दोनों के लिए है, ठीक है। चलो आप लोगों को समझ, आपको लगेगा बाप रे इतना कठिन, मैं नहीं कर लोगे, और एग्जांपल देखो मैं प्रॉमिस करता हूं कर लोगे, ध्यान दो बस मेरे बातों पे। HDFC बैंक पे आते हैं, HDFC बैंक के एक घंटे के चार्ट को देखते, थोड़ा ध्यान से एक घंटे का चार्ट खोले और अपन ने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके आंखों से देखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा नए लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम दोगे सब समझ में आएगा। मैं बस इतना पूछता हूं, आप बस एक लेवल देखो इसके आसपास जहां पे HDFC बैंक को बार बार रेजिस्टेंस मिलता है या सपोर्ट मिलता है, यार ये देख रहे हो आप लोग, जब नहीं समझ में आता है ना तो यह देख रहे हो टॉप में, ये देखो ये कैंडल दिख रहा है, उसको क्लिक करना और यहां पे लाइन कर देना, ओ काफी हद तक चीजें आसान हो जाएंगी। देखो यहां पे दिख रहा है आपको, ये यहां पे एक पॉइंट, मेरे को एक बढ़िया पॉइंट दिख रहा है यहां पे, तो मैं यहीं पे एक लाइन खींचना चाहूंगा, ओके पहला मैंने खींच दिया यहां पे एक लाइन, ओके नाउ आई नीड अ बाइट, ऊपर की तरफ का टारगेट, नीचे की तरफ का टारगेट, नीचे की तरफ का बोलेंगे तो आपको ये देखो ये पॉइंट 1064, तो 1064 मेरे को यहां भी 1062 पे मेरे को दिख रहा है सपोर्ट मिला हुआ है, सपोर्ट मिला हुआ है, देखो वही एरिया के आसपास मिल गया ना, खींचो लाइन यहां भी। ऊपर की तरफ देखो कहां जाके ये रुकता है, ये बार बार 1106 पे रुकता है, ठीक है देखो यहां पे भी 1106 पे रुका, लो भाई बना लिए मैंने लेवल। हाँ अब तुरंत इसको चेंज करके कैंडल पे ले आओ, हम वापस कैंडल्स पे आ चुके हैं एंड अब हमको हमारे जोन बनाने ट्रेडिंग के। अब मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल देता हूं आपके लिए, अब ट्रेड कैसे करना है वो सिखा रहा हूं आपको। अब HDFC बैंक भी हमारे लिए बाय सेल दोनों वाला हुआ, ठीक है दोनों वाला। अब मेरे को थोड़े कुछ लेवल्स चाहिए यार कंफर्मेशन के लिए कि ऊपर नीचे कहां ट्रेडिंग करूं, तो उसके लिए क्या करोगे गाइस, आपको मैंने पिवट पॉइंट नाम का इंडिकेटर पढ़ाया हुआ है, ये खोल लेंगे आप, ये खोल लेंगे आप। अब पिवट आपको मदद करेगा, सिर्फ पिवट इंडिकेटर यूज करेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे, एंड देन पिवट खोलने के बाद जहां देखते हैं कि अगर कोई एक पिवट लेवल तोड़ता है मेरा ऊपर की तरफ, आप बाय करेंगे, दो पिवट लेवल का टारगेट बनाएंगे, एक पिवट के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, और अगर नीचे खुलता है मार्केट, नीचे की तरफ खुलता है मार्केट, तो देखेंगे पिवट लेवल बनाएंगे, और ये जो बड़ी लाइंस खींची ना हम लोगों ने, ये हमारे एंड टारगेट है, मेन टारगेट्स, वी विल ट्राई टू हिट दीज, We'll try to hit these अगर हमारा ट्रेंडिंग मार्केट चलता है तो। सो इस तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है। तो HDFC बैंक के लेवल्स भी आप देख लीजिए, अब भी आपके सामने मैंने ड्रॉ करके दिखाया है किस तरीके से आपको HDFC बैंक के लेवल्स को बनाना है। तीसरा स्टॉक खोलते हैं आपके लिए ब्रिटानिया, ठीक है। आप ये सारे स्टॉक्स रखो ना अपनी लिस्ट में, है ना। अब ब्रिटानिया को देख के क्या लगता है, देखो ब्रिटानिया देख के मुझे क्या लगता है, एक ना एक इस तरीके का ट्रायंगल डेवलप होता दिख रहा है, क्यों दिख गया मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस, आपको भी आ जाएगा, बस आप देखना सीखें तो, ट्राई तो करें, देखें ये वीडियो पूरा। देखो आपको दिख रहा है डाउन ट्रेंड, दो हाईस को मैंने जोड़ के ट्रेंड लाइन बना ली, और नीचे भी मुझे दिख रहा है दो लो मिल गया, दो लो पॉइंट, एक ये मिल गया और एक ये एरिया मिल गया मुझे, ये देखो ये मिल गया और ये एरिया मुझे मिल गया, ये वाला जो सपोर्ट ले रहा है, ठीक है बस हो गया भाई। अब अगर एक चीज और पूछता हूं, एक हॉरिजॉन्टल लेवल भी ले लेते हैं, लाइन कर लेते हैं, ये दिख रहा है आपको यहां पे, यहां देखो जहां पे प्राइस है, अपन एकदम बढ़िया लेवल पे है इस वक्त, तो अगर हम एक यहां पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच दे, जरूरत नहीं वैसे तो खींचने की, कैंडल्स वापस आते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ट्रेड कभी नहीं करना इस टाइम फ्रेम पे, पागल हो जाओगे, एक घंटे में कैंडल बनेगी। 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलोगे, लो यार यू हैव अ ग्रेट रेंज इन फ्रंट ऑफ यू, जहां पे आपको ये ब्रेकेज दिखता है ना ट्रेंड लाइन के साथ, देखो प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी छोटे लेवल्स मिलेंगे, यहां पे बना लो, लो भाई मेरा बाइंग एरिया मिल गया, इसके ऊपर मेरा बाय है, टारगेट मेरा क्या रहेगा, ये मैं टारगेट बना सकता हूं 3950 जो हाई अभी तक का ऊपर के लिए। नीचे के लिए क्या करना है, बस भाई नीचे के लिए ट्रेंड लाइन टूटी, बढ़िया कंसोलिडेशन है यहां पे, ये मेरा सेलिंग लेवल बन गया। लो यार आपके सामने है तैयार आपके ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में ट्रेड करने के लिए दोनों तरफ के जोन। सो ये बीच ये एरिया क्या है गाइस, बताए कोई बता सकता है ये एरिया क्या है, इसे को ही कहते हैं नो ट्रेडिंग जोन।
सो आपका काम है बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल बनाना, छोटे टाइम फ्रेम पे आके नो ट्रेडिंग जोन बनाना। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आगे हम नो ट्रेडिंग जोन बना गए हैं। अब हमें वर्कआउट कुछ भी हो जाए इसके ऊपर ही करना है। ओनली पिवट विल हेल्प अस इन दिस स्ट्रेटजी। बाकी देखो लगा लो जो आपको समझ में आता है, आपको आरएसआई समझ में आता है आरएसआई यूज करो, जो यूज कर सबका अपना तरीका होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेट, मजा आया, आई होप आया होगा। अब लूपिन पे ट्राई करते, लूपिन समझने की कोशिश करते। लूपिन को देख के क्या लग रहा है यार, अब ट्रेंडिंग स्टॉक तो दिख रहा है और थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं लूपिन को। तो मेरे को बहुत क्लियरली दिख रहा है कि लूपिन जो है ना यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है लूपिन का। कहाँ पे? अच्छा मेरे को, मैं इसको ना वापस से लाइन कर रहा हूँ। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये जो एरिया देखो 952 से 959, मैं एक यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ। ठीक, अब मैं वापस से कैंडल ला रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुने। लूपिन को देखें बार बार, क्या आपको लगता है वो ये एरिया से बच जा रहा है? 979 से बचा रहा है। लो ना यार, यहाँ खींच लो यार, यहाँ खींच दो 978 पे लाइन। लो भाई, बन गया नो, बन गया ट्रेडिंग जोन। अगर ल्यूपिन हमें सेल के लिए मिलता है, अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोलते, 1 घंटे में तो कुछ समझ में नहीं आएगा, खुल गया 5 मिनट का। जहां आपको कल ल्यूपिन देखो सपोर्ट भी ले गया है ना, एक सपोर्ट भी ले चुका है, तो दोनों तरफ का जोन बनाएंगे। पहला बनाएंगे बाइंग और एक दूसरा बनाएंगे सेल। तो बाइंग का देख रहे हो यार, सिंपल है, ये रहा मेरा बाइंग का टारगेट ऊपर की तरफ, यहां बना लेता हूं 999,000 रुपीज। एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 1000 मेरा बाइंग का वो है टारगेट है और 959 मेरा। अब ये 2 दिन में हो 1 दिन में मुझे नहीं पता। अब नो ट्रेडिंग जोन सिखा देता हूं कैसे बनाना है। नो ट्रेडिंग जोन क्या है? सिंपल है, हाँ यहां तक नो ट्रेडिंग जोन है, यहां तक 977 ब्रेक होगा, आई एम गोइंग शॉर्ट। बहुत क्लियर रास्ता है मेरे पास, देखो कुछ नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी कुछ नहीं है। आपको आपने देखा ना, 1 आवर खोल रहा हूं, 1 आवर खोल के दिखा रहा हूं आपको, रुक जाओ ऑल्टार दबाता हूं, देख लो यार आप खुद बताओ कुछ है क्या बीच में। अरे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया टारगेट मिलेगा नीचे की तरफ। अब ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, क्या डिसीजन लेंगे अपन? हम डिसीजन लेंगे जब एक काइंड ऑफ यू नो एक ऐसी हमें ये जो ट्रेंड लाइन है ना ब्रेक मिलेगी अपन को। ठीक है, देखो सिंपल है, ये सब सिंपल है। तो ल्यूपिन बाय अबव दिस लेवल, ठीक है, ऊपर ऊपर आ जाए, थोड़ा सस्टेन कर ले, कंसोलिडेट कर ले, रीटेस्ट कर ले, और बाय अबव 990 फॉर 1000 रुपीज, 1% आराम से 1+1% के ऊपर मिल रहा है। और सेल बिलो दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, सेल बिलो दिस लेवल, दिस 977 यू कैन गेट अ गुड टारगेट ऑफ 959। हम सब लोग मार्केट में रहेंगे मंडे को, देखेंगे क्या होता है, बट दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ, यार देखो ऑनेस्ट चीज शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, बेस्ट है ये सब चीजें। ठीक है, चलो अब अगला जो आपके सामने स्टॉक शेयर करेंगे उसका नाम है बजाज फाइनेंस। चलो देखते हैं, तो ल्यूपिन कैसा शेयर हुआ, बाय सेल दोनों के लिए। अब बजाज फाइनेंस को देखता हूं, बहुत चौपी लग रहा है, एकदम मजा नहीं आ रहा है देख के, लग रहा है बड़ा कठिन सा वर्कआउट कर गया है। इसमें देख लेते हैं एक बार, इस मेथड पे देख लेते हैं। देखो ये जो है ना, देखो ये एरिया, ये मुझे दिख रहा है काफी एक इंपॉर्टेंट एरिया, और दूसरा मुझे ये वाला जो लो है ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, इस और ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये 3450 ये भी मुझे, तो 3 लेवल मैंने ये लाइन करके देख लिया। अब मेरा काम है कैंडल में घुसने का, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखने का। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखने का। अच्छा एक मेरे को और इसमें पैटर्न दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, अगर आप देखेंगे तो मुझे एक ट्रेंड लाइन सी ब्रेक हुई दिख रही है और ट्रेंड लाइन ब्रेक होके एक रीटेस्ट करके नीचे जा रही है। Might be a good sell decision for us, might be. So any which ways we'll prepare. यार मुझे ना buy करने में डर लगेगा जब तक कि ये level ना टूट जाए, तो definitely it's not a buy for me, but ये इसके करीब है, समझना बात को। तो मेरे लिए बजाज मैं सिर्फ सेल के लिस्ट में रखूंगा। बजाज बढ़ सकता है कल, ऐसा नहीं मैं सेल बोल रहा हूं तो बजाज बढ़ेगा नहीं, बढ़ सकता है, मेरी वॉच लिस्ट में सेल के लिए पड़ा हुआ है। अब आपको जो करना है करें, आप बाय करें, सेल जो करना है, मैं तो सिर्फ सेल के लिए रखूंगा। क्लियर है कि मुझे जहां लगता है कि ये जो लेवल्स हैं बेसिकली, देखो अब मैं क्या छोटे टाइम फ्रेम पे इसको रिफाइन करना होता है। यहां जाइए सर, यहां गाइस ट्रेडर्स 3379, ओके 3380 परफेक्ट। इफ यू सी बजाज फाइनेंस ड्रॉपिंग बिलो 3380 एंड यू सी एनी पिवट ऑल्सो ब्रेकिंग दैट सेम पॉइंट सेल इट एंड टेक 2 पिवट टारगेट्स। टू पिवट समझ नहीं आ रहा है, मेरे प्रीवियस वीडियो देखो उसमें समझाया। टेक 2 पिवट टारगेट्स, या तो लंबा टारगेट लेना है स्विंग ट्रेडिंग वाले हो, या वो इंट्राडे वाले को भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे को ना प्रेफरेबल सेल के लिए, बाय के लिए क्यों नहीं है यार, क्योंकि बड़ा चौपी है। देखो ना कितना कुछ रस्ते में, ये सब कुछ कितना सारा, इसीलिए मेरे लिए बजाज सिर्फ
तो बजाज से सेल वाला है मंडे के लिए, ठीक है, बाय वाले अपन निकालेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है, और आपको समझ कठिन लग रहा होगा ना तो इसी वॉचलिस्ट को प्रेफर करो, ठीक है। यही एनालिसिस एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करके रोक के ये लेवल लिख लो और ट्राई करके देखो, पेपर ट्रेडिंग करके देखो अगर करना है तो, अगर रिस्क नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको ऐसे सजेस्ट नहीं कर सकता ट्रेडिंग करने के लिए, एजुकेशनल पर्पस है से मैं बना रहा हूं चीजें। सो मेक श्योर यू ट्रेड विद वेरी लेस अमाउंट बिकॉज यू आर ट्राइंग ऑल दिस एंड यू और पेपर ट्रेड ओनली, ओके। नाउ सन फार्मा, लोगों को मेरे से रिक्वेस्ट होती है कि मैं बहुत लंबा वीडियो बनाता हूं, क्या करूं यार, जेन्युइन चीजें, अब कैसे आपको 5-10 मिनट 15 मिनट में असली चीज पढ़ा पाए, वो फिर मेरा प्रमोशन होगा किसी चीज का, वो मैं करना नहीं चाहता, मैं आपको जेन्युइनली चीजें बताना चाहता हूं, इसलिए चलो यार बातें कम काम ज्यादा। सन फार्मा एक घंटा, अब मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा, एक सिंपल सा एक यहां पे हॉरिजॉन्टल लेवल खींचना चाहूंगा यहां पे तो, और इसे डिलीट करना चाहूंगा। भाई देखो क्या आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है? अब लोग बोलेंगे कैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, वो तो एक शोल्डर एक हेड और एक दूसरा शोल्डर होता है। अरे रट्टू नॉलेज नहीं चाहिए भाई, कई लोग कमेंट कर रहे थे मॉर्निंग स्टार तो पहले गैप डाउन खुलेगा फिर ऊपर जाएगा, अबे भाई यूज करना सीखो, यूज करना सीखो। इसका मतलब क्या होता है हेड एंड शोल्डर का, कि यहां पर रेजिस्टेंस है, ये नहीं बढ़ने दे रहा है, उतने में ब्रेकआउट हो जाता है। हम सबको मालूम है मोस्टली ब्रेकआउट फेल, मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट ऑलवेज फेल इन ये, और प्रूफ किया कि मार्केट बहुत सेलिंग के लिए रेडी है, सेलिंग के लिए रेडी है, तीसरी बार ट्राई करता है फिर से मार्केट यहां पे रिजेक्शन मिलता है, तो हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या होता है कि मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, एक बार गलती से आ गया था फेंक दिया सेलर्स ने नीचे, नहीं होल्ड कर पाए बायर्स, तो वही माहौल यहां पे है। अगर आप देखेंगे तो नहीं तोड़ पा रहे रेजिस्टेंस है, नहीं तोड़ पा रहे रेजिस्टेंस, नहीं तोड़ पा रहे, तोड़ गए अरे नीचे चले जाओ नहीं रुक पाओगे, फिर ट्राई कर रहे हैं, फिर दोबारा ट्राई करके नीचे जा रहे हैं। डेफिनेटली मेरे को एक बढ़िया सा लेवल दिख रहा है, तो ट्रेडर्स नेकलाइन बोलते हैं इस एरिया को, नीचे वाले एरिया को, ये ब्रेक होता है तो स्विंग ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स कम हियर, लुक एट दिस, 508 रुपए का टारगेट, ये रहा आप लोगों के लिए स्विंग वालों के लिए अगर ये ड्रॉप करता है तो। और इंट्राडे वाले जो ट्रेडर्स हैं, लुक एट दिस ट्रेडर्स, नेकलाइन तक फास्ट गिरेगा मार्केट, कोई बड़ी बात नहीं है, ये रहा नेकलाइन, ये रही नेकलाइन हमारी, यहां तक फास्ट गिरेगा। और अगर बाय के लिए जाएंगे तो आई वुड बी कॉशियस to book my profits over here. If I am, one minute, if I am trading this, then I'll try to book my profits at 547. हाँ, वो भी 2% के ऊपर आसपास है। अब मैं खोल रहा हूं 5 मिनट का टाइम फ्रेम डिटेल में बात करने के लिए। नो ट्रेडिंग जोन बनाना है ना, नो ट्रेडिंग जोन बनाना है, बनाते बनाते कोई नहीं गाइज। ये देखो मेरा ट्रेडिंग सिंपल है, बाय when to buy, only buy above 539. Only buy above 539, let it break some pivot level and then go for it. और ट्रेडर सेल कहां करना है, सेल कहां करना है, सिंपल सी बात है, दिन के लो पे सेल कर देंगे, इसी दिन के, प्रीवियस दिन के। देखो इंपॉर्टेंट है ये एरिया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे छोटा सा ये बना दिया, सो ये आई विल सेल ओनली बिलो 528 पे मैं एक लिमिट सेल लगा दूंगा, बस दो पिविट ले लो, एक पिविट ले लो, या तो भाई ये पूरा टारगेट ले लो, आपको मजा आएगा 519 का। आई होप आपको समझ में आया होगा एनालिसिस, नहीं तो दोबारा देखेंगे वीडियो, कोई नहीं, बट ये जेन्युइन कंटेंट देखने मिल रहा है, इसमें कुछ भी आपको मिसलीड करने की बात नहीं है, जेन्युइन शेयर कर रहा हूं नॉलेज। और यही वॉचलिस्ट आप यूज करें, बजाज ऑटो पे आते हैं, बजाज ऑटो को एनालाइज करके दे रहा हूं इस वॉचलिस्ट को। अब देखो इसको मैं सिंपल दिखाऊंगा तो मुझे दिख रहा है डबल टॉप पैटर्न तो दिख रहा है, नीचे जा रहा है बट एक पुल बैक भी ले लिया है, तो मैं कंफ्यूज हूं इस वक्त, तो मैं क्या करूंगा, एक मैं ऐसी ट्रेंड लाइन खींचूंगा, तो ट्रेंड लाइन देख के और थोड़ा जूम आउट करूंगा, मुझे क्या दिख रहा है, कौन से ट्रेंड में भाई लोग बजाज ऑटो अप ट्रेंड में, तो मैं इसको थोड़ा सा बुलिश स्टॉक है, तो मैं थोड़ा सा इसको सेल नहीं करना चाहूंगा, कब तक, जब तक ट्रेंड लाइन होल्ड कर रही है, मतलब कल ये गिरेगा भी ना तो हम लोग को इंटरेस्ट नहीं लेना है सेल में इसको, क्योंकि ये यार रुक सकता है, क्योंकि रुकता ही आ रहा है, समझ रहे हो। सो हम इसे बाय के लिए बनाएंगे, डन ट्रेडर्स, बाय के लिए बनाएंगे, तो ट्रेंड लाइन के कारण सेल के लिए नहीं बनाएंगे, तो यहां पर आते हैं और थोड़ा सा एरिया बाय के लिए सोचते हैं, तो कुछ खास नहीं, यही मिल रहा है यार, लो भाई यहाँ पे लगा लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ऐसे कर दो कैंडल, अभी बहुत ज्यादा मजा नहीं आता है एरिया में, बहुत कुछ आपको मिस करा सकता है ये, बस मोटे मोटे तौर पे लेवल बनाने काम आना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आप देखेंगे तो एकदम इंपॉर्टेंट लेवल पे ही है, बार बार 3050 पे रेजिस्टेंस मिला है, रेजिस्टेंस मिला है, रेजिस्टेंस मिला है, रेजिस्टेंस मिला है, 3066 पे भी मिला है, अच्छा 70 पे भी मिला है, नो प्रॉब्लम, 3070 आज का, कल का भी हाई था, लो भाई बन गया नो ट्रेडिंग जोन। 5 मिनट टाइम फ्रेम खोल लू, हियर वी आर, वी विल ओनली बाय व्हेन बजाज ऑटो मेबी गैप अप सस्टेन्स ओवर हियर, बाय टू पिवट लेवल्स और दिस इज योर टारगेट गाइस, ओनली फॉर बाय नॉट फॉर सेल, ठीक, इसके टारगेट लिखने हैं, लिख लो यार, ये लो आपके सामने लेवल्स बना रखे हैं मैंने, ये लीजिए, हियर इज द लेवल्स इन फ्रंट ऑफ यू, ओनली फॉर सेल। चलो खत्म होने वाले स्टॉक्स,
वीडियो तो लंबा बनता ही है, जेन्युइन कंटेंट चाहिए तो लंबा वीडियो देखना पड़ेगा, जिसे नहीं देखना है वो स्किप कर सकता है, बट जिसे मेरे हिसाब से तो पूरा देखना चाहिए, दोबारा देखना चाहिए। यू विल मेरे हर थोड़ी थोड़ी बातों में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपी है, ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल, दिस इज फ्री इन यूट्यूब राइट। चलो अब आगे बात करते हैं, टाटा मोटर्स को देख के क्या लग रहा है? अब फिर मैं बोलूंगा कि मुझे फिर हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, तो भाई मतलब सीखो, हेड एंड शोल्डर कभी ऐसा नहीं मिलेगा परफेक्ट मिले आप लोगों को, है ना, कई टाइप के पैटर्न्स होते हैं। भाई मुझे तो दिख रहा है कि ब्रेक हो गया है, ब्रेक हो गया, शॉट मार दे, नहीं, देखते हैं, जूम आउट करें थोड़ा सा, जूम आउट करते हैं थोड़ा सा, क्या देखने मिल रहा है वहां पे, क्या देखने मिल रहा है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल रहा है 118 पे, लो भाई एक लाइन खींच लो, मतलब मेरे को सेल में क्या मजा नहीं आएगा, मजा नहीं क्यों नहीं आएगा, इतना सा टारगेट कौन लेगा, हाँ इसके बाद फॉल होता है तो बहुत मजा आएगा सेल करने में, तो स्विंग ट्रेडर्स भी देख लो, इंट्राडे वाले भी देख लो, नो शॉर्टिंग अप टिल 118, ऊपर बाय करने के लिए जाएंगे तो ऊपर रुकेगा ना प्रॉब्लम, अब यहां तक तो कर ही नहीं सकते बाय, दिन का हाई था, फिर एक रेजिस्टेंस है, यही रेजिस्टेंस बन जाएगा ना, तो आई वोंट प्रेफर टू बाय अप टिल 127, सो नॉट अ वेरी गुड स्टॉक फॉर मी, बट टाटा मोटर्स आई विल शॉर्ट इट इफ इट कम्स, इफ इट स्टार्ट्स गैप डाउन, 118 पे खुलता है, स्लाइड मार गया, मैं इसका आधा तो ले लूंगा, डन गाइस। तो आई होप आपको भी समझ में आता है, टाटा मोटर्स ग्रेट सेल फॉर अस, ऑलराइट, सो नाउ गोइंग अहेड एंड आई विल ओपन बैंक निफ्टी, आ गया, तालियां बज गई होंगे भी तो, अरे बापरे बैंक निफ्टी भी बता दिया भाई ने, सबसे फेवरेट होता है लोगों का बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी पे मैं खत्म करूंगा, रिलायंस और निफ्टी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, ये चको कर लेंगे देखेंगे। चलो गाइस ध्यान से देखो, है ना, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, बार बार कहां रेजिस्टेंस दिख रहा है, 22,450, 22,400, और एक रिसेंटली खुल गया था, गिरा 22,450, तो क्यों ना इसी लेवल को 22,475 को बोले नहीं करना भाई ट्रेड तुम्हें, जब तक तुम उसके ऊपर नहीं जाते, और जाते हो तो बढ़िया यार, 23,000 का लेवल तो बना ही हुआ है हमारे लिए इसने, तो डन है बैंक निफ्टी का, एक डन है हमारे लिए कि बैंक निफ्टी का गैप अप खुल जाता है, खुलते ही मंडे को 12,450, 12,470, गाइस लेट्स गो इन, इवन स्विंग ट्रेडर्स कैन गो इन, बढ़िया ये टारगेट को देगा अपन को ना, अभी बहुत मुश्किल, और नीचे के लिए बात करें तो कहां पे अपन को उसको नीचे के लिए क्या दिख रहा है, चलो एक बार नीचे के लिए लेवल के लिए लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कंसिस्टेंट, ये देखो यहाँ पे भी एक लो दिख रहा है 21,95,947, यहाँ पे भी वही लेवल है, कुल मिला के वही लेवल है 21,950, लो यार मैंने बना दिए लेवल आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी के भी, और बस नो ट्रेडिंग जोन क्या रहेगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम खोलेंगे नो ट्रेडिंग जोन समझने के लिए, बस ये रहा मेरा नो ट्रेडिंग जोन, मैं नहीं शॉर्ट करना चाहूंगा जब तक कि मेरा ये दिन का लो ब्रेक नहीं होता, ये देखो ये दिन का लो और ये दिन का हाई सब लगभग लो, दिस इज माय नो ट्रेडिंग, और बाय बाय तो मेरे हिसाब से देखो इंट्राडे बाय करना है ना, छोटा मोटा बाय करना, एक रिस्क ले सकते हो इसके ऊपर छोटा सा, बट दिस वो योर रिस्की ट्रेड, सो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू टेक एनी रिस्क दैट टू इन बैंक निफ्टी। भाई लोग देखो शॉर्ट करना है तो 22,190 के नीचे छोटे टारगेट के लिए 21,940, और अगर बाय करना है तो प्लीज वेट कर लो थोड़ा सा बुलिश होने का मार्केट, तो जब आराम से खुशी होल्ड कर पाओगे वो रिंग ट्रेड अपना 22,475 पार, एंड देन यू कैन गो अहेड विद गुड टारगेट 23,000 तक का। आई होप मैंने आपको इसमें भी टारगेट दे दिए, देख लो ध्यान से, मंडे के लिए है, मैं बना रहा हूं आप लोगों को, ये लो, सो हियर इट इज, ओके Now going ahead and last stock है निफ्टी, निफ्टी काफी मतलब सपोर्ट देखोगे निफ्टी का तो यहां पे है, दिख रहा है बार बार रुका हुआ, आपको यहां पे दिखा दूं एरिया करके, लो यहां खींच दी एक लाइन, तो यहां तक तो शॉर्ट करना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बाय करना कहां तक नहीं है, अब यार देखो एक बाय के लिए तो मेरे को बनाना पड़ेगा, रुको बताता हूँ आप लोगों को, कैंडल कर लेते हैं, सो ये हो गया नीचे का जोन, अगर हम शॉर्ट करेंगे तो सिर्फ इसके नीचे करेंगे 11,354 के, और बहुत छोटा टारगेट लेंगे क्योंकि बहुत सपोर्ट है इसको यहाँ पे, बहुत चौपी है, तो मैं तो प्रेफर नहीं करूंगा निफ्टी में ट्रेड करना इस, जब तक कि ना ये क्लियर इसको भी ना तोड़ दे, अगर 11,450 को तोड़ता है ना, देखो एक तो सिंपल सी बात आप सबको समझ में आ रही, 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रहा हूं, सेल का तो बता दिया कहां सेल करना है, बाय का बताता हूं, देखो सेल का मैंने बता दिया कहां करना है आप लोगों को सेल, ये एरिया के 11,350 के नीचे सेल करना है, ये आपको टारगेट देगा 50-60 पॉइंट का, ठीक है निफ्टी में 50-60 पॉइंट का टारगेट, और अगर बाय का बात करना है तो ये तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है ना, यहां पे देख लो नहीं बात पार कर पाया उसको उतने बड़े गैप अप में भी, तो अगर इसके ऊपर निकलता है 11,400 बींग 11,418
11,418 के ऊपर निकलता है ये आप टारगेट ले सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। इंट्राडे वाले ले सकते हैं, क्विक ट्रेडर्स जो स्कैल्पर्स हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, फास्ट ट्रेडर्स हैं, दे कैन गेट दिस 37 पॉइंट्स, नॉट वेरी गुड बिग अमाउंट, इसलिए मैं नहीं ट्रेड करूंगा, स्कैल्पिंग करनी कर सकते हो नो प्रॉब्लम। इसलिए मैं तो 11,456 का पार होने का वेट करूंगा। हाँ जी, अगर 11,456 पार हो जाता तो क्या टारगेट लेंगे, मैं अभी देके जाता हूं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी ले आता हूं, थोड़ा सा प्रीवियस पास में ले आता हूं, थोड़ा फरवरी आना चाहता हूं कि फरवरी तक ले आऊं आप लोगों को, और एक चीज दिखा दूं अभी का इमीडिएट। देखो ये देखो आ गए कहां आ गए, यहां आ गए, लो 1152 पार होता है ना ट्रेडर्स, मंडे ट्यूसडे को ले लो मेरे से लेवल्स, ये रहे आपके लिए, ये है अल्टीमेट बचा हुआ लेवल 11550 का, 550 पहले निकल जाए, 11550 के पहले निकल जाए, डन। Here are Nifty levels, little complicated, but Nifty है, आसान नहीं करना, but options वगैरह trade करना, futures वगैरह तो stocks में रहें, ठीक है? चलो last Reliance भी कर देता हूं, कोई problem नहीं है। Reliance देख के समझ में आ रहा है, अब trending stock है, बार 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 यहाँ पे support ले रहा है, लो भाई खींच देते हैं आपके लिए line support की, और अगर देखेंगे तो अगला support आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पे इस level को देख के, यहाँ पे खींच दिए, और क्या देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अपन को एक ये इस लेवल पे हमको एक बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सेल कहां करेंगे, बहुत बढ़िया, सेल का टारगेट इसके नीचे सेल करेंगे 2070 के नीचे, और ये हमारा टारगेट बनाएंगे, ठीक है, ये हमारा टारगेट बनाएंगे 2022 साइकोलॉजिकल लेवल 2000। तो अगर रिलायंस कल स्लिप मार देता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे खोल रहा हूं, अगर रिलायंस स्लिप कर देता है ना इस लेवल को स्लिप कर देता है, किस लेवल को, देखो छोटा टाइम फ्रेम खोलने से और फायदा होता है ना, क्या फायदा होता है, आप और बेटर कर सकते हो अपनी, नहीं ठीक है, 2070 के नीचे शॉर्ट करना है, 2070 के शॉर्ट करता है 70 पॉइंट के लिए आप जा सकते हैं, उतना बड़ा टारगेट एक दिन में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन 20-30 पॉइंट तो 40 पॉइंट तो मिल ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। और बाय का क्या है, बाय का देखेंगे तो देखते हैं, बाय का ना बड़ा सा मेरे को चौपी लग रहा है यार, मतलब यहां पर रुकेगा, देखो यहां पर, अब इसको लाइन कर देते हैं एक बार समझने के लिए, देखो यहां रुकेगा, यहां लो भाई बना दिया जोन, छोटा सा बाय करना है, छोटा बाय रखेंगे लेकिन छोटा टारगेट रखेंगे बाय में, ये रेजिस्टेंस छोड़ देंगे यहां पे, सेल कर देंगे, अगर ये 2103 तोड़ता है, ट्रेडर्स टेक इट एंड एग्जिट एट 2135, इफ इट ब्रेक्स दिस, सो व्हाट इज दिस, दिस बिकम्स अवर नो ट्रेडिंग जोन, तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन बन गया। तो 2105 के ऊपर बाय, ट्रेंड लाइन तक का टारगेट, यहां नीचे शॉर्ट, 2000 साइकोलॉजिकल लेवल प्लस प्रीवियस सपोर्ट लेवल 2000 सेल, ठीक है, डन। मजा आ गया, मुझे मजा आ गया आप लोगों को ये सब बताते हुए, आप लोगों ने जो मांगा मेरे से स्टॉक सिलेक्शन मेथड हो गया राइट आप लोगों के लिए। तो चलो अभी स्टार्ट करते, आउटरो पे मिलता हूं, दो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा इसी से रिलेटेड, बहुत जरूरी है तो उस पर बात करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ऑलराइट गाइस, तो आपने वीडियो देख लिया, बट वेट, वो वीडियो अधूरा है, आधा है, अब आपने निकाल लिए, जैसे बजाज ऑटो हमने बाय के लिए, बजाज फाइनेंस हमने सिर्फ सेल के लिए, और कुछ कुछ बाय सेल दोनों के लिए, अब ये डेटा मिल गया, अब कल सुबह वो जो वॉच लिस्ट दी है मैंने सेक्टर लिस्ट वाली, उसे खोलेंगे, देखेंगे कि निफ्टी ऊपर है कि नीचे, सेल है तो देखेंगे सबसे ज्यादा वीक सेक्टर कौन सा है, और बाय है तो देखेंगे सबसे ज्यादा मजबूत सेक्टर कौन सा है। सब लोगों को मालूम है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ओवर होमवर्क करते, ये खोल लेते वो खोल लेते, और यही प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की होती है, ये स्पाइडर बोल लो, ये वो बोल लो, ये बोल लो, इतने सारे स्टॉक आ जाते हैं और हम सबको देखते हैं और हमारा सारा का सारा टारगेट चला जाता है। सो द ओनली मेथड इज टू हैव फिक्स्ड 12 लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दैट यू कैन चूज योरसेल्फ, या तो मेरे वाले चूज कर लो जो मैंने दिए, और इनमें अब सुबह उठ के 6-7 ऐसी घट गए, फिर 3-4 बचे, उन 3-4 में देखे कौन से सेक्टर पकड़ने हैं, तो उन 3-4 में से 2-3 निकले, और उन 2-3 को वॉच के जहां एंट्री मिली मार दिए, बाकी भूल गए। डोंट ट्रेड मोर देन वन स्टॉक, चलो दो कर लो, बट मैं तो एक ही करना प्रेफर करता हूं, तो एक या दो करोगे तो अलग अलग, और क्या हमेशा दो टाइम फ्रेम पे स्टॉक को देखो, 5 मिनट और 15 मिनट या 30 मिनट पे देखो, ओवरऑल बड़े लेवल्स का क्या हाल चाल है, तो ऐसे करके आपकी ट्रेडिंग बढ़िया हो जाएगी। एंड वेट, 2 more rules, वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स, क्विक टिप्स, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स आपको तो मालूम होगा, बट जितने भी नए ट्रेडर्स हैं, पहली बात, फक द न्यूज, क्या बोला मैंने, फक द न्यूज, एकदम बंद कर दो CNBC आवाज देखना, एकदम बंद कर दो हर थोड़ी देर मनी कंट्रोल देखना, कोई जरूरत नहीं न्यूज देखने की, आप करके तो देखो एक हफ्ता दो हफ्ता काम, आप चार्ट जो बोल रहे हो उस पर फोकस करके तो देखो, रिजल्ट ना मिले तो बताना, बंद करें न्यूज, मैं तो बिल्कुल नहीं देखता, फोन तक साइड में फेंका रहता हूं। दूसरा पॉइंट, न्यूट्रल बायस का मतलब क्या होता है, मतलब आप न्यूट्रल रहिए, हमेशा ट्रेडर का प्रॉब्लम यह है कि वो मन बना लेता है, नहीं रिलायंस तो ऊपर ही जाएगा, नहीं ये तो ऊपर ही जाएगा, नहीं SBI तो नीचे ही जाएगा, बंद करो ये बायस, बंद करो,
अच्छा, उसके लिए एक बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, सारे फालतू टेलीग्राम चैनल्स को एग्जिट मारो जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। यू योरसेल्फ आप खुद इतनी अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ये फालतू टेलीग्राम फ्री के इवन पेड जो वेब टेलीग्राम, मेरा मोबाइल अगर मैं निकाल पाता उस पर रिकॉर्डिंग हो रही दिखाता, एक भी टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो, जरूरत ही नहीं है। जस्ट मारेंगे डिसलाइक वो सारे टेलीग्राम वाले, माइनॉरिटी वाले मारेंगे टेलीग्राम चैनल वाले डिसलाइक, मारने दो, हू द फक केयर्स अबाउट देम, बट आई केयर अबाउट यू। सो न्यूट्रल बायस करने का एक ही तरीका है कि कोई सजेशन ना ले, वो फालतू आएगा ये बाय करे इस लेवल पे, वो सेल करे, आपका दिमाग, आप कुछ नहीं कमा, आपको मालूम है कितना कमा रहे हैं अगर आप टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हैं और ये सब करते हैं, तो जरूरत नहीं है सर, अपने हिसाब से करें। तो फक द न्यूज, हैव न्यूट्रल बायस, फॉलो व्हाट चार्ट्स आर टेलिंग यू, वी आर डन, थैंक यू सो मच, खत्म हो गया वीडियो। और यार थैंक यू सो मच, इसके पहले 7,000 सब्सक्राइबर पे वीडियो बनाया था हमने लाइव ट्रेडिंग वाला, और बोला था 15,000 सब्सक्राइबर होंगे तो वीडियो बना दूंगा, आज सैटरडे है, सोचा था वीकेंड करूंगा, सैटरडे संडे कहां, 20,000 सब्सक्राइबर पार हो चुके इतने बजे तक, तो थैंक यू सो मच इन सारी चीजों के लिए एंड ग्रेट। अब मैं आपके लिए ले आया हूँ ये वीडियो, अब हाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे तरफ से, अब इसी इंट्राडे स्ट्रेटजी सिलेक्शन के दम पे वही वीवैप यूज करके दिखाऊंगा, या जो आज सिखाया प्राइस एक्शन यूज करके दिखाऊंगा, या डाइवर्जेंस यूज करके दिखाऊंगा, दिखाऊंगा लाइव ट्रेडिंग भी, एक्सपेक्ट करें। अगला वीडियो मैं बनाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, उन ट्रेडर्स जिनको लॉस हो चुका है तो क्या वो लॉस रिकवर हो सकता है कि नहीं, कितना हो सकता है, कितने दिन में हो सकता है, उस पर बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट पे। तो चलो गाइस ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच, लाइक द वीडियो, आई वांट टू सी एटलीस्ट, एंड कोई टारगेट नहीं बनाते, छोड़ो देखते कितने लाइक्स आते हैं, बट प्लीज हिट द लाइक बटन, मुझे मोटिवेशन जो है कि रात को 12:30 बजे उठ के वीडियो बनाना, ये वैसे ही आएगा लाइक्स देख करके। सो लाइक द वीडियो एंड आई नो यू ऑल आर शेयरिंग दिस वीडियो योर माय चैनल नेम विद योर फ्रेंड्स, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल रहे हो, थैंक यू सो मच जिन लोगों ने ये किया, प्लीज ये इस वाले वीडियो को भी करें सो दैट सबसे ज्यादा लोगों का बेनिफिट हो पाए। तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड गाइस सी यू वेरी सून एज वी हिट 50K सब्सक्राइबर्स एंड आई नो इट्स कमिंग वेरी सून, चलो बाय।